गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम प्रयोग करना है एक्सरसाइज 5 पे, ठीक है। 5 जो चैप्टर दिया है सिंपली आपको डिवाइड करने के लिए कहा गया है, ठीक है। इससे पहले का चैप्टर था 4, वो मल्टीप्लीकेशन का बेस था, और ये जो दिया हुआ है उनका वो डिवाइड के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 5 पे फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो क्या लिखा है कि 5 का कोसेंट एक्स इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना आपको, डिवाइड सीखने के पहले आपको मल्टीप्लाई आपको टेबल तो आना ही चाहिए, कंपल्सरी तब तक पॉइंट ऑफ टेबल तो याद ही कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है 12,928 डिवाइड बाई 8। ये क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क में दिया था, देखते थे आप उत्तर पार्ट में कर लेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करोगे, इसको आप ऐसे लिखो, इसमें मेरी कितनी हो जाएगी, इसमें ओके। चलिए पहले करना क्या होता है, जिससे आपको डिवाइड करना है इसको हम बोलते हैं क्या, डिवाइजर। ये आपका क्या है, डिवाइजर। ये आपका होता है डिविडेंड, ठीक है। ये आपका डिवाइजर डिवाइडेड, जो यहां पे नंबर लिखते हो ये होता है क्वेश्चन, जो सबसे नीचे आता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अभी बताएंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से क्या करोगे आप, एक का टेबल मतलब कुल मिला के एक का टेबल आपको पढ़ना है कितने नंबर के साथ। देखो क्या मेरा 1 के साथ डिवाइड कर सकता है, देखो ये नंबर जब भी होना चाहिए वो इस वाले से कम होना चाहिए, आप दो नंबर ले लो, ठीक है। कितना होता है 12, यानी एक बराबर ये जो दिया हुआ है यहाँ पे वो 12 से क्या हो इस नॉलेज का यानी कि डिवाइड जा सकता है, और वो कितना टाइम लेगा वो देखते हैं। देखो आप क्या कर रहे हो, 12 ले लो, अब एक का टेबल आप इतनी टाइम करोगे ना, या तो 12 आ जाए या फिर 12 से कुछ कम है, बहुत ज्यादा कम है, नियर अबाउट 12 के पास चला जाए, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो एक का टेबल करो तो एक बन जा एक, अभी कम है ना, एक टू जा एक टू जा एक टू जा क्या होता है 16, बट मेरे पास नंबर कितना दिया, सिर्फ और सिर्फ 12 दिया होगा, तो 1 टाइम में डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे 1 लिखोगे और यहाँ पे एक, यहाँ पे नहीं लिखोगे आप, ठीक है, 1 के नीचे लिखोगे। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ से माइनस करेंगे 12 से लिख हो जाएगा तो मिलेगा आपको, ठीक है। अब क्या करें, फिर इस 9 को लिखो, फिर वही प्रोसेस, एक का टेबल इतनी टाइम पर होना ताकि आप 49 आए, 49 से कुछ कम, उसका मतलब एक का टेबल पर होना एक सिक्स 48 अभी कम है, एक से लग जाए तो अधिक आ जाएगा, ठीक है। यानी कि डिवाइड कितनी टाइम लगेगा आपका सिस्टम, कोई कहेंगे सर कम लाना है तो आप एक ऊर्जा पर निकल जाएगी, एक पूजा 16 लिख दोगे चलेगा, तो क्या इससे अच्छा क्या एक बार और डिवाइड किया जा सकता है क्या, ऐसे करते करते इसके पास तक जाएंगे, ठीक है। तो 8 6 48 माइनस करेंगे यहां से मिल जाएगा ये हो गया, फिर वही 1 टाइम में जाएगा 8 और जाएगा 8 सॉरी माइनस करेंगे तो मिल जाएगा, ये फिर एक इसके पास चला जाएगा, कितना हो गया 48, 8 6 48 48 0, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा है ना कि फाइंड द कोसेंट एंड चेक योर आंसर, तो देखो ये आपका डिवाइजर होता है, क्या होता है ये डिवाइजर, ये क्या होता है आपका बीच वाला जो होता है ये डिवाइजर डिवाइडेड, ये होता है कोसेंट और ये होता है आपका डिवाइडर। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा है ना, इसमें से कोसेंट बताइए और अपने आंसर को चेक करके बताइए क्या ये गलत है कि सही है। तो आंसर को चेक करने का मतलब ये होता है आप पूरे पर डिवाइड कर लेना, डिवाइड अपने कर लेना, हम क्या करते हैं ना कि इस कोसेंट के साथ, कोसेंट के साथ डिवाइडेड की मल्टीप्लाई करके अगर रिमाइंडर को प्लस करते हैं ना तो इसके इक्वल मिल जाता है, किसके इक्वल मिल जाएगा, इसके इक्वल अगर आ गया तो आपका डिवाइड जो है वो करेक्ट, अदरवाइज वो गलत होता है, ठीक है। तो एक रूल बना, रूल क्या मतलब है, ये हो गया, तो यहां लिख दो कि जो आपका डिवाइडेड होता है
आपका यहां से डिवाइडेड होता है, जो डिवाइडेड की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्या, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। जगह नहीं था मतलब वो क्या लिखा हुआ आपका रिमाइंडर, इससे इक्वल हो जाता है, जैसे उसके पास आर ही लिखो, आर का मतलब हम देख रहे हैं रिमाइंडर लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो डिवाइड जो ये वैल्यू होती है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, इसके इसके प्रोडक्ट और जो नीचे लिखा सबसे रिमाइंडर वो इसके इक्वल आनी चाहिए, तब जाके आपका जो ये डिवाइडेड डिवाइड दिया है वो करेक्ट है, अदरवाइज जो क्या होता है रॉन्ग होगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। ठीक है, चलिए अब पहला के चेक कर लेंगे, आपको पता हो गया, और चाहते हो नीचे ये भी लिख सकते हो सिंपली ये बना के इसका डिवाइडेड क्या होता है, ये भी जवाब लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है डिवाइजर। ये क्या होता है डिवाइडर, जिसमें हम डिवाइड डिवाइड करते हैं डिवाइडेंड, क्या होता है डिवाइडेंड। ठीक है, ये जो होता है आपका होता है कोसेंट, जिसको क्यों से लिख देते हैं पूरा लिख देते हैं और जो सबसे नीचे यहां पे मिलता है आपको उसको बोलते हैं क्या, हम रिमाइंडर, क्या बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं चाहो सबसे जो लास्ट में आता है आपका रिमाइंडर होता है, तो ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दोनों लिख लो, पर आपको इसमें ये याद करना कि डिवाइडेड इक्वल टू होता है, क्योंकि चेक करना होगा तो मैं ये आपको बताएंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, अब आपसे क्या पूछा है किसको कोसेंट बताइए, तो आप यहां से क्या निकालोगे, यही कोशेंट है, कोशेंट को सिंपली उसे बस लिखते हैं, कोशेंट इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, और आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर तो आपका तो जीरो आया है। ठीक है, हम पूरा लिख देते हैं क्या क्या पता करना था, सबसे पहले पूरा लिख लो। ठीक है, तो बाद में देखो डिवाइडेड को हमें कैपिटल डी से लिखेंगे, बस देखो कैपिटल डी मतलब क्या डिवाइडेड है, डिवाइडेड आपका इतना दिया होगा 920, आप इसका यूज कर लेना। ठीक है, डिवाइजर मतलब स्मॉल डी, स्मॉल डी से क्या लिखेंगे वो डिवाइजर को लिखेंगे, या पूरा लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइजर आपका फिर दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपका कोशेंट, कोशेंट को हम क्यू से डिनोट करेंगे, और कितना आया कोशेंट, और आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया आपका, वो जीरो। चेक करने के लिए कहा गया है, चेक करके बताइए क्या वो सही है कि वो गलत है। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे चेक, चेक में क्या करोगे आप कोसेंट का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं कोसेंट के साथ, मल्टीप्लाई कैसे करें डिवाइडर के साथ, उसने बोला गया डिवाइड की मल्टीप्लाई करो, एक डेढ़ का जो हमने डिवाइड किया है वो सही है, तो आपका हो गया। अच्छा,
तो जो भी आप क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक किया है, तो आपको जो भी यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट दिए हुए सिंपली आपको वैसे ही सॉल्व करना है। तो
24 माइनस करेंगे 0 0, अब तो कोई नंबर भी नहीं रहता कि हम क्रॉस करें, यानी कितना डिवाइड यहाँ से खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या चेक करना है, चेक आप करिएगा, आपको जो पता है उसको लिख दीजिए। सबसे पहले कैपिटल डी मतलब की डिवाइडेड, स्मॉल डी मतलब की डिवाइडेड, कोसेंट और यहाँ से आपका रिमाइंडर, सबके सब वैल्यू लिखना है। डिवाइडेड का आपको पता है कि 9 0 0 87 244 आ रहा है, डिवाइडर कितना दिया हुआ हो 8 दे रखा हुआ है, कोशेंट आपका आया है 112 6 0 9 3, रिमाइंडर आपका आया है 0। चेक करेंगे नीचे तो क्या करेंगे, चेक करके इसकी मल्टीप्लाई 8 के साथ करके रिमाइंडर को प्लस करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ 0 है, कोई चेंज भी नहीं आएगी, लेकिन हम लिखेंगे। तो सिर्फ मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन आप आगे सॉल्व करो। ठीक है,